अब हम और हमारे भाई साहब टिकट ले लिए हैं, अब काली खो की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं टिकट ले और रोपवे से हम लोग जाने की प्लानिंग बना रहे हैं। पर टिकट पर हेड आना जाना दोनों। आइए चलिए गाइस जर्नी करके दिखाते हैं। और ये आप सेटअप देख रहे होंगे और वो रोपवे निकला जा चुका है। हम दोनों को बिठाना भूल गया। अब हम दोनों यहाँ पे वेट करेंगे और फिर आपको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये एक रोपवे आ रहा है हम लोग को लेने के लिए, आप देख रहे होंगे। एक एक्साइटिंग और मेमोरेबल जर्नी। और धनंजय पांडे जी कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं, बार बार टिकट देखे जा रहे हैं कितने किलोमीटर जाना है, लेकिन कम रास्ता है। लेकिन ये इस बात को देख के चिंतित हैं कि जर्नी बहुत कम ही दूरी की है। गाइस आइए चलिए एक मेमोरेबल जर्नी की तरफ। ये हम लोग स्टेशन की दूसरी तरफ आ गए। आप देख रहे होंगे एस्केलेटर का ये एक व्हील और अभी ये ट्रॉली हम लोग की तरफ आने वाली है। अब ये ट्रॉली धीरे धीरे हम लोग की तरफ बढ़ रही है एंड वी आर स्टार्टिंग फॉर द मेमोरेबल जर्नी। ये टर्न, तो हम लोगों ने प्लान बनाया है कि 3 नंबर वाले बॉक्स में हम लोग बैठेंगे, आगे रहेंगे। लेकिन इसमें कई लोग गुटखा खाए हैं। अब हम और धनंजय पांडे जी चल रहे हैं इसमें बैठने। और गाइस वी जस्ट स्टार्ट द मेमोरेबल जर्नी इन रोपवे। अभी थोड़ी देर में आए, अभी तक मैं इस वीडियो में नहीं आया था, अब आ गया। तो हम रिकॉर्ड करते हैं। अब स्टार्ट देखते हैं कब होती है जर्नी। भैया स्टार्ट करिए। अब हम लोग रोपवे की तरफ आगे बढ़ने लगे और आप देख रहे होंगे ये अब हम लोग उसी माउंटेन पे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे तो इसमें अब खड़े होने को भी मन कर रहा है। बारिश की वजह से इन्वायरमेंट थोड़ा सा क्लाउडी हो गया है, लेकिन गाइस मजा बहुत आ रहा है। वाओ, धनंजय पांडे एकदम शांत और घाटियों का नजारा एंजॉय करते हुए। और वो देखिए देख रहे होंगे एक छोटी सी खाई। इधर देखिए गाइस, यहाँ दिखा दो, यहाँ पूरा खुला हुआ है। ये देखिए नजारा, वाओ। ये हम लोग आ गए अगले स्टेशन की तरफ। जर्नी अच्छी थी बट बहुत ही छोटी, इतना तो हम पैदल भी चढ़ के आ सकते थे हम लोग, बट कोई नहीं, रोपवे का आनंद लेते हुए। और इस समय हम लोग पहाड़ियों के टॉप पर हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस अब यहां से मंदिर की तरफ हम लोग प्रस्थान करते हैं। और ये हम अब रोपवे से, हम और धनंजय पांडे बाहर आ गए हैं, मतलब 2 मिनट पहले जर्नी शुरू हुई और 2 मिनट बाद खत्म। और आप देख सकते हैं यहाँ से एक रियल घाटी का नजारा, ये आप देख सकते हैं दूर दूर तक बस पहाड़ियाँ। और ये अब हम मंदिर की तरफ बढ़ते हुए और चलते हैं एकदम टॉप मंदिर पे और फिर वहाँ से आपको मंदिर का दर्शन कराते हैं विंध्याचल के बाद। अब सेकंड जर्नी हमारी काली खो की तरफ है। एक भैया यहाँ पर थे जिन्होंने बताया कि अब मंदिर यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है और इस समय पहाड़ों की चोटियों पे आप देख सकते हैं ये सकरा रास्ता और ये जगह जगह पत्थर। और यहाँ की मान्यता गाइज ये है
कि जो भी यहाँ पे पत्थरों से अपना घर बनाते हैं, पत्थरों से एक घर का शेप या पत्थरों को सजा के घर जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो अपने हाथों से रियल में अपने घर का निर्माण करते हैं। अपने हाथों से नहीं, अपने घर का निर्माण जल्दी करवा, और अपने घर का निर्माण जल्दी से जल्दी करवाते हैं। भैया ने तो ये बोल के पहले ही डरा दिया कि यहाँ की से आगे की जर्नी 2 किलोमीटर की है, बट कोई नहीं, जय माता दी। धनंजय पांडे भी लगे हुए हैं बैग लेके, इनको आज शाम को जबलपुर निकलना है। ये देखिए, जगह जगह लोगों ने अपने छोटे छोटे घर बना रखे हैं। और ये हमारी जर्नी काफ़ी शांत और अकेली लगती हुई, बिकॉज इस सड़क पे हमारे सिवा, हमारे और धनंजय पांडे जी के सिवा कोई भी नहीं आता जाता दिखाई दे रहा है, न तो आगे न तो पीछे। बस यहाँ पे जानवर दिख रहे हैं, तरह तरह के, गाय दिख रही है, बकरी दिख रहे हैं, और जगह जगह ये पत्थर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।